गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड 19 की वजह से जो ये हमारा टीचिंग पैटर्न है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ये चेंज होकर के किस तरीके का हो गया है बच्चों, ये हो गया है ऑनलाइन टीचिंग का पैटर्न। ऑनलाइन टीचिंग का मतलब आप लोग घर पर हो और हम आपको क्लासरूम से पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आप क्लास में नहीं आ रहे हो, आप लोग अपने घर पर बैठकर पढ़ रहे हो, यानी कि दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। तो बेटा, अगर आपको स्कूल से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं होता है तो इसके लिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर निराशा के पीछे एक आशा छुपी होती है, हर नेगेटिविटी के पीछे एक पॉजिटिविटी जुड़ी हुई होती है। आज की इस नेगेटिविटी के दौर में, जिसके अंतर्गत कि बच्चों आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, टीचर्स आपको पढ़ा नहीं पा रहे हैं घर आपके स्कूल में, तो उसके अंतर्गत एक नया टीचिंग फॉर्मेट शुरू हुआ है। ये इस नेगेटिविटी का एक, हम ये कह सकते हैं, एक अच्छा सा, एक या यूं कह ले एक इस नेगेटिविटी का एक गुड ऑब्जेक्ट है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो भी कुछ इसी चीज से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको आज के चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराती हूं। हमारा आज का चैप्टर है पार्ट 6, जो कि आपकी हिंदी रीडर बुक का है। और आपकी हिंदी रीडर बुक का नाम क्या है बच्चों? आपकी हिंदी रीडर बुक का नाम है सुनहरी धूप। आज के इस चैप्टर पार्ट 6, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों, ये एक निबंध है, ये एक निबंध है जो आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। ये निबंध आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से दुनिया में इतनी सारी नेगेटिविटी होने के बावजूद लोग खुश हैं, लोग अपना जीवन जी रहे हैं। तो बच्चों देखिए, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, ये निबंध जो है ये एक चेतना परक निबंध है, जिसके अंतर्गत की हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से नेगेटिविटी को दूर करना है और पॉजिटिविटी को अपने जीवन में उतारना है। बहुत सारी वर्तमान समय की बहुत सारी विघटनकारी परिस्थितियों को देखते हुए, बहुत सारी नई नई जो है घटनाएं घटते हुए देखते हुए, जैसे बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, चोरी की घटना घट रही है, डकैती की घटनाएं घट रही हैं, तस्करी की घटना घट रही है। तस्करी का मतलब यहां से कोई सामान दूसरे जगह पर लेके जाना। आजकल मानव तस्करी हो रही है, अभी सोना चांदी की तस्करी होती है, बहुत सारे नशीले पदार्थों की तस्करी। तस्करी का मतलब ये एक तरीके का अपराध होता है जिसमें एक देश का सामान दूसरे देश में विदाउट एनी टैक्स लेकर के पहुंचाया जाता है। हम बहुत सारे नए पुराने दकियानूसी, दकियानूसी का मतलब बहुत सारे पुराने जमाने के विचारों के साथ, ढोंग और आडंबर वाले विचारों के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दकियानूसी विचार है, ये दकियानूसी विचार कहीं ना कहीं मनुष्य को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ भी लेकर जाते हैं। हम ये मानते हैं, या यूं कह लें कि भारत की मिट्टी कुछ अनूठी है। यहाँ पर कई बाधाओं के बावजूद महान आत्माओं और दिव्य आदर्शों का परिपूर्ण रहा है। हमारी भारत की जो भूमि है ये बहुत 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 पुरानी है। इसमें बहुत सारे महान लोगों ने जन्म लिया, बहुत सारे आदर्शवादी लोगों ने जन्म लिया, बहुत सारे विचारधारा के लोगों ने जन्म लिया। उसमें से कुछ विचारधाराएं आधुनिक थी तो कुछ दकियानूसी यानी कि पुरानी विचारधाराएं थी। कभी कभी लेखक का मन बैठ जाता है जब वो समाचार पत्रों में नेगेटिविटी भरी खबरें यानी चोरी, डकैती, तस्करी, इन सब चीजों की खबरें पढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि देश में उसको ऐसा लगता है कि ये जो माहौल है ये आरोप प्रत्यारोप का हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का माहौल मतलब कि एक लोग दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये जो आरोप प्रत्यारोप का माहौल है मेरे प्यारे बच्चों, ये आरोप प्रत्यारोप का माहौल देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरनाक है। लोग गलत काम खुद कर जाते हैं और दूसरे, वो लोग जो नहीं बोल पाते हैं उन पर फटाफट से आरोप लगा देते हैं कि भाई फला फला काम तो मैंने इसको कहा था करने के लिए, इसने नहीं किया। यानी कि आज देश में आरोप प्रत्यारोप का माहौल भी है, देश में चोरी तस्करी का भी माहौल है, देश में पुरानी और दकियानूसी दोनों प्रकार की विचारधाराओं का माहौल है।
देश में आज एक माहौल और भी फैल रहा है जिसके अंतर्गत लोग सच्चाई का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं, यानी कि बुराई का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। पर जब बच्चों बुराई का पर्दाफाश होता है ना, तो उस बुराई का पर्दाफाश होने पर किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति जो कि बुराई से जुड़ा हुआ है, वो हमेशा उस बुराई का पर्दाफाश यानी उस बुराई को सबके सामने लाने वाले का दुश्मन बन जाता है। यानी कहा जाता है कि जो सत्य है, जो सच है, वो शायद आज इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं रह गया है। समाज में बहुत सारे श्रमजीवी यानी कि समाज में बहुत सारे मेहनत करके रहने वाले लोग हैं जो कि निकृष्ट यानी कि बहुत ज़्यादा जालिम तरीके के जो लोग हैं, जो ये मेहनत करने वाले लोग हैं, इन पर ये बहुत अमीर लोग जो होते हैं, जो बहुत निकृष्ट लोग होते हैं, जिनमें दया का, जिनमें ममता का, जिनमें प्रेम का कोई भाव नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं बच्चों, वो लोग उन पर अत्याचार करते हैं। यानी जब ये सारी की सारी चीज़ें लेखक देखता है तो लेखक के मन में ऐसा लगता है कि ये निराश होने से कुछ नहीं हो सकता अब। क्यों? क्योंकि समाज का माहौल ही ऐसा हो गया है, समाज का माहौल इस तरीके का हो गया है, इसीलिए तो आज व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन बन गया है, इसीलिए तो आज समाज समाज का दुश्मन बन गया है, इसीलिए तो आज समाज में भाई भतीजावाद उत्पन्न हो रहा है। ये हम मानते हैं बच्चों कि श्रमजीवी अपनी मेहनत कर करके पिस रहा है, पर अगर श्रमजीवी व्यक्ति, श्रमजीव करने वाला, मेहनत करने वाला व्यक्ति अगर लगातार इस तरीके के काम करता रहे तो शायद सही रहता है। लेकिन जहां उसने अपने प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज उठानी शुरू की, झूठ का पर्दाफाश कर उसे उजागर करने की कोशिश की, वहीं उस श्रमजीवी व्यक्ति का पत्ता साफ हो जाता है। यानी जहां पर उसके राजों का पर्दा साफ हो जाता है, जहां उसने अपने आवाज, जहां उसने अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों की आवाज उठानी कोशिश की, वहां पर उसको कहा जाता है कि भाई अब तुम घर बैठो, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जो आज ये समाज में माहौल, आज ये समाज में जो ये वातावरण, आज ये समाज में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, इन सब चीजों का मिला जुला जो ये माहौल है ना बच्चों, इस माहौल की वजह से आज आप, मैं, हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं। और क्यों परेशान हैं? क्योंकि इसके कारण हम सभी अपने अपने जीवन को, हम सभी अपने आप को शायद पूरी तरह से अपने कामों के प्रति समर्पित नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डर लगा रहता है कि हम काम चाहे कितना ही अच्छा कर ले, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो हमारे उस काम को फरेब से, हमारी त्रुटियों से हमें बताने लग जाएगा कि फला फला काम आपने गलत किया है। बच्चों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि इनकी जो त्रुटियां होंगी, इनकी जो त्रुटियों का जो नतीजा होगा, हमारे ये जो लोग हैं जो कि झूठ फरेब का सहारा लेकर के दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दूसरों की त्रुटियों का सहारा लेकर खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा, उसका परिणाम उन लोगों को जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक रबर की बॉल को पानी में जितना दबाकर रखा जाए, वो तब तक ही दबी रहेगी जब तक कि उसका पूर्ण रूप से विकास, या यूं कह लें कि जब तक उसको पूर्ण रूप से प्रेशर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। जिस दिन उसका प्रेशर कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन वो तुरंत उछक कर वापस आएगी और उसका नतीजा यही होगा कि समाज में एक नई चुनौती आएगी। और तब लेखक को हताश होने की जरूरत नहीं है, तब लेखक को निराश होने की जरूरत नहीं है, और तब शायद लेखक को इस निबंध को लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, या यूं कह ले इस निबंध का पार्ट टू नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि बच्चों देखिए, समाज में आज इतना अजीबोगरीब सा माहौल हो गया है कि हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना जा रहा है। समाज में आतंकवाद, समाज में लूट खसोट, समाज में तस्करी, समाज में एक दूसरे के को ढंग से कोई मतलब एक दूसरे को, एक दूसरे की जो है कहते ना कि एक दूसरे से, एक दूसरे को देख करके लोग राजी नहीं है, यानी कोई दूसरे व्यक्ति की तरक्की को देखकर, सफलता को देखकर राजी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, सफल ही तो हुआ है, इसने तो ऐसा किया था, ये इसलिए सफल हुआ। लोग ये नहीं सोचते कि इसने ऐसा किया तो चलो हम भी ऐसा कर लेते हैं, इसने 2 घंटे मेहनत करके पढ़ाई की है तो हम मेहनत करके पढ़ाई कर लें तो शायद हम भी कुछ रिजल्ट पा सके। नहीं, इसने इस तरीके से किया है, इसने इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि इसको फला फला व्यक्ति का सपोर्ट था। अरे वो सपोर्ट उसको मिला तो उसने पढ़ाई की, तुम भी उस व्यक्ति का सपोर्ट लो, तुम्हें भी पढ़ाई करने को मिलेगी। कहने का मतलब यह है बच्चों कि आज का जो ये
में जो ये पूर्ण रूप से जो ये निराशावादी जो ये प्रक्रिया चल रही है, जो ये नेगेटिविटी जो समाज में व्याप्त हो रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। और वो कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो कारण यही है कि व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन हुआ जा रहा है, समाज समाज का दुश्मन हुआ जा रहा है। आज हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। बच्चों मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस निबंध क्या निराश हुआ जाए में जो नेगेटिविटी है, जो लेखक आपको बहुत सारी नेगेटिव चीजों के माध्यम से पॉजिटिविटी उभारने की कोशिश कर रहा है, आप उसको देखो, आप उसको समझो, आप उसको अपने जीवन में व्याप्त करो। बच्चों अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, इस कोरोना के टाइम में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। अगर आप और हम दोनों आपस में तालमेल बनाकर नहीं चले, आप ना तो पढ़ोगे ना हम आपको पढ़ाएंगे, तो आपका एकेडमिक ईयर पीछे चला जाएगा, आप अपनी पढ़ाई भूल जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई अब तो हो गया, बस अब कुछ नहीं, आपका साल खराब हो जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए इस निराशा में से भी आशा का बीज निकाला और हमें एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जिसमें आज आप और मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिल रहे हैं। तो बच्चों मेरा आपसे निवेदन है कि जो हम आपको ये मेहनत से जो ये यूं कह लें कि जो ये हम आपको एक नए फॉर्मेट से पढ़ा रहे हैं, आप इस नए फॉर्मेट को देखो, आप इस नए फॉर्मेट से नई नई चीजें सीखने की कोशिश करो, पढ़ाई करो, ताकि आप लोग भी अच्छे बच्चों की तरह से स्टडीज कर सको। और आपकी स्टडीज जब कंटिन्यू रहेंगी तो आप जल्दी से जल्दी जैसे ही ये कोरोना का चक्र टूटेगा तो आप अपनी नई क्लासेस में जा पाओगे। तो बच्चों देखो आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको यही समझाया कि ये जो नेगेटिविटी का जो एस्पेक्ट होता है हमारी लाइफ में, हमें हमेशा इसको दूर रखना चाहिए, क्योंकि जहां पर निराशा होती है आशा का बीज वहीं से उत्पन्न होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा ये नया टॉपिक जिसका नाम था पार्ट 6, क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक कौन थे? इस निबंध के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैं बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में पढ़ाया हुआ जो ये टॉपिक है, एक्सप्लेन किया हुआ जो ये टॉपिक है, ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपने घर पर पढ़ोगे, समझोगे, और जब स्कूल खुलेंगे, जब टेस्ट एग्जाम्स होंगे, तो इस चैप्टर में से आने वाले क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से करोगे। तो बच्चों अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।